हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग वेक्टर के कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और थोड़ा थोड़ा लेवल अपना अपग्रेड करते चलेंगे, ठीक है। यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, और वेक्टर के आज मैं करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। रिमेनिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको PDF उसकी प्रोवाइड हो जाएगी, जो और भी अदर क्वेश्चन रहेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में करा देता हूँ, बेसिक भी है और कंसेप्ट भी है, दोनों बिल्ड करने वाली कहानी। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है मैंने 3 फोर्सेस ऑफ 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, 50, 30 और 15 न्यूटन के फोर्स हैं एक्ट ऑन ए बॉडी, देन द बॉडी इज। देखिए 50, 30 और आपका 15, तीन फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, ठीक। अब कुछ बच्चों को डाउट थे कि सर इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं दे रखे, डजंट मैटर। ये सिचुएशन ऐसी है कि सदा ही ट्रू रहेगी, आपको कुछ ऐसा आंसर देना है। देन द बॉडी इज एट रेस्ट। अब एक बात बताइए, अगर ये तीनों के तीनों फोर्स, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही फोर्स अगर एक ही तरफ लग जाए, तीनों के तीनों ही, 50, 30, 15 तीनों, तो क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगी? आंसर है नहीं, खत्म हुई कहानी। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा समझते हैं, देखिए इसमें थोड़ी सी चीजें मिक्स है। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसमें भी कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, बच्चे सोचते हैं अच्छा किसी ऑब्जेक्ट को आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलाना, तो उसके ऊपर कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको साइकिल चलानी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो साइकिल पर फोर्स लगाना पड़ेगा। पर बेटा जी वहां पर एक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हमें ओवरकम करने के लिए लगाना पड़ रहा है। अगर कोई बाहर से कैसा भी कोई भी फोर्स नहीं है, तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसको आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कॉन्स्टेंट मोशन में रखने के लिए। न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर आप लोगों को याद हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए, कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है बेटा जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कब कर सकता है? अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब मुझे बताइए, हमारे पास तीन फोर्स है, एक है 50, एक है 30 और एक है 15, ठीक। अब क्या कोई भी दो फोर्स मिलकर के तीसरे फोर्स के बराबर बन सकते हैं? मतलब तीनों का नेट फोर्स अगर जीरो आ जाए तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मेरे किसी बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 30 आप जिस जिधर जी करे लगा लो, 15 जिधर जी करे लगा लो, क्या ये मिलकर कभी 50 जीरो कर पाएंगे? आंसर है नहीं सर। कैसे नहीं कर पाएंगे? देखो बेटा, अब इसको आसानी समझने के लिए ऐसे करो, अगर तीन फोर्स या चार फोर्स जीरो बन सकते हैं, वो कब पॉसिबल होगा? केवल और केवल तब पॉसिबल है जब ये क्लोज आपकी स्ट्रक्चर बना ले, मतलब सर क्लोज शेप बना ले। मतलब क्या सर? अरे 50, 30, 15 से आप ट्राइंगल डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा ट्राइंगल बन सकता है कि जिसकी एक साइड 50 हो, दूसरी साइड 15 हो, या 30 हो, या जो भी आप चाहें, 30, 15 और ये 50 की साइड हो, ये पॉसिबल है क्या? आंसर है नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बेटा एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ठीक है, केवल तभी बात बन सकती है ट्राइंगल के लिए, तो ठीक। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी इसमें? अगर मैं 30 न्यूटन का फोर्स और 15 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाऊं, 15 प्लस 30 इट विल बी 45, जो सबसे मिनिमम फोर्स की कहानी होगी, सबसे कम जो फोर्स लगता है, आप 50 न्यूटन इधर लगा रहे होंगे। अभी भी क्या सिचुएशन है? 50 राइट की तरफ लग रहा है और आपका 45 लेफ्ट की तरफ, अभी भी 5 न्यूटन का फोर्स है राइट की तरफ, इजंट इट, गड़िया पॉइंट। तो अभी भी 5 न्यूटन का फोर्स है, तो बालक कभी भी आपका फोर्स जीरो नहीं हो सकता। और अगर फोर्स जीरो नहीं हो सकता है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो बेटा पक्की बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है। मूविंग विद एक्सेलरेशन अगर फोर्स है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा, आपका फोर्स कभी जीरो नहीं होता। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बात समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड फैक्टर ए बी सी आर 3 4 5 के मैग्नीट्यूड की बात की है, 3 4 5 है रेस्पेक्टली, और कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ पर एक्चुअल में इसको वेक्टर वेक्टर के मार्क कर रखे हैं, थोड़े वेक्टर के मार्क ऊपर चले गए हैं, ठीक है, दिख रहे हैं वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी है, मतलब ऐसा कह सकते हो वेक्टर ए प्लस बी माइनस सी कह लो, या वेक्टर अगर सी को तीनों को ऐड करोगे तो कितना 0 हो जाएगा, माइनस कह लो कोई, ठीक है बेटा जी। आप कहेंगे ओके सर जी, पूछ रहा है वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल है। पहले तो ये ट्रिपलेट देखते ही आपको याद आना चाहिए, 3 4 5 का जो ट्रायंगल बनता है, मतलब ट्रायंगल बन रहा है इससे, कुल मिलाकर के बात ये है ए प्लस बी सी के बराबर है, यानी ए ऐसा होगा, बी सपोज करो कुछ ऐसा मान लेता हूँ मैं, तो सी ऐसा होगा, ट्रायंगल फॉर्म, यार इसका मतलब यही तो है ए प्लस बी इक्वल टू सी, वेक्टर ए लिख दिया बी लिख दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये रहा सी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अच्छा जी, ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ए की लेंथ कितनी, आप कहेंगे सर 3, बी की लेंथ कितनी, आप कहेंगे सर 4, इसकी लेंथ कितनी पता है सर 5 है, ये कब पॉसिबल होता है आप सोचिए खुद से, आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी पता है, बिना फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है बाय द वे, पर ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 और कोस थीटा, ऐसे कुछ कान देती है, आर कितना, आप कहेंगे सर 5 है, रिजल्टेंट कितना 5 मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो ये कितना होता है, ये 25, इसका स्क्वायर कर लो 25 इक्वल टू इधर 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस थीटा, 25 से 25 को कट्टम पुट्टा कर दो तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इधर लेफ्ट ये कितना बचेगा टोटल 0, अरे हाँ कि ना, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यस सर, कोस थीटा इक्वल टू तो थीटा कितना आप से जी 90 डिग्री, 90 डिग्री को प्यार से पाई बाई टू यानी कि रेडियंस में पाई बाई टू भी कहते हैं, ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसको नाम दिया जा सकता है, 5 इक्वल 3 या 4 जो भी था आपका, 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, 10 न्यूटन के 5 फोर्स हैं, इक्वल फोर्स हैं, इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, उनके बीच का एंगल बराबर है, ओके, तो कहानी कुछ ऐसी हो रही होगी, अगर आप कहें 10 न्यूटन का फोर्स अगर इधर है, ठीक है, जो भी है 10 न्यूटन हो, पांचों सारे फोर्स इक्वल है, अगर आप एफ इधर अप्लाई कर रहे हो और दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ हो सकता है, चौथा आपका इधर हो सकता है, पांचवा आपका इधर, इस तरह की कुछ कहानी होगी, समथिंग लाइक दिस, इज़न्ट इट, आप कहेंगे बिल्कुल सर इसी तरह की तो कहानी होने वाली है, ओके, जब इस तरह की कहानी होने वाली है तो नेट फोर्स पूछा गया हमसे क्या है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में जो ख्याल आ रहा है इसको देख उनको लगता है कि यार ये वाला फोर्स ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल आउट, एक 10 न्यूटन का बच जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी बिल्कुल गलत सोच रहे हो, थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में सोचिए और डायग्राम को चाहे ठीक से ड्रॉ करेंगे तो भी उसके बारे में सोच सकते हैं, कैसे सर, डायग्राम को ठीक से ड्रॉ करते हैं तब भी आप चीजों को, डायग्राम से ड्रॉ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में लेके बैठ जाओ अपना वो स्केल और ड्रॉ करने लगो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बैठ जाना है कि आप डी वगैरह लेके उससे ड्रॉ करने लगो, तो देखो बेटा जी अगर एक एंगल आपका यहाँ है, इन सब के बीच में सारे वेक्टर के बीच में सेम एंगल बन रहा है, तो पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 को 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आपका कितना गया 5 7 35 5 2 10 72 डिग्री एंगल बन रहा है सबके बीच में, एनीवे ये भी हमें जाने की जरूरत है नहीं बाय द वे, इसमें 72 इसमें 72 इसमें 72 ऐसा कुछ कहानी हो रही है, ठीक, या फिर अगर बराबर बराबर एंगल बन रहा है और वो पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कांट वी अंडरस्टैंड दिस, भाई ऐसे समझिए आप कोई इंसान है उसको 5 लोग खींच रहे हैं, 5 लोग खींच रहे हैं और सारे के सारे बराबर बराबर एंगल पर खींच रहे हैं, क्या लगता है वो कहीं जाएगा, आंसर है ना कहीं नहीं जाएगा बेटा, ये बिल्कुल जैसा था वैसे ही, जितना एंगल ये है इतना एंगल ये है इतना ये है 72 डिग्री 72 डिग्री ईच, ये कहीं जाएगा, नेट फोर्स होने वाला उसके ऊपर 0। और इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं प्यारा बच्चा, जो हमारा पेंटागन होता है, बेंजीन तो हेक्सागन होता है बेंजीन जैसा है ना, जो पेंटागन होता है इसमें 5 साइड होती हैं, वो उसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही रहती है, पेंटागन का क्या मतलब है, उसके सारे के सारे जो साइड्स हैं उनके बीच में बराबर बराबर एंगल से वो आगे बेंड होते जाते हैं, एग्री, बराबर बराबर एंगल से वो बेंड होते चल जाते हैं, पेंटागन अगर एक यूनिफॉर्म प्रॉपरली है आपका है ना पेंटागन,
समझ आ रही है बात? उसमें क्या रहेगा, अब पांच आपके वेक्टर्स हैं, आप ऐसा सोचिए, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर कुछ ऐसा, एक वेक्टर कुछ ऐसा होगा, नेक्स्ट वेक्टर विल बी लाइक दिस एंड नेक्स्ट वेक्टर विल बी लाइक दिस, तो बराबर बराबर एंगल बन रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसेंट इट, सबके बीच में जितना एंगल यार ये वाला है, ये वही एंगल, ये है वही एंगल, ये है वही एंगल, ये है और वही एंगल, ये है, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये पूरे के पूरे पांच के पांच मिलकर जीरो बना रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, जहां से स्टार्ट होते वहीं पर एंड हो गया। यस सर नो, यार इसको वेक्टर ए मान लो, फोर्स मान लो 10 न्यूटन का, पहले वाले को F, ये भी F, ये भी F, ये भी F, ये भी F, कहाँ से चले थे? सर जी पॉइंट ए से, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ से चले थे सर, यहीं पर आकर रुक गए। हाँ तो कितना हो गया आंसर? आप कहेंगे सर जीरो। इज दिस क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है प्यारा बच्चा, तो आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो। ओके, बीच में आवाज इंटरप्ट हो गई थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, पांच फोर्सेस हैं, पांच फोर्सेस हैं, इक्वल मैंने छोड़ के हैं, और साथ में इसने कहा कि इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, उनके बीच का एंगल बराबर बन रहा है। या तो आप ऐसे भी खुद से भी सोच सकते हैं, जैसे पंखा होता है, पंखा, पंखे जैसा, कितने कितने डिग्री पर होते हैं? आप कहेंगे सर 120, 120 पर, अगर पंखे जैसा, पंखे जैसा बता रहा हूं मैं, इस तरह से फोर्स लगा जाए 120, 120 पर, तो नेट फोर्स आपको पता होगा जीरो होता है, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसी तरह से अगर पांच हो, सात हो, 10 हो, 15 हो, अगर इक्वल एंगल पर है बेटा, तो फोर्स ऑब्वियसली जीरो हो जाने वाला है, इक्वल एंगल पर है। जब नंबर जो है आपको इवन दिए होते हैं, जैसे आपको कहा कि दो फोर्स है, चार है, छह है, तो समझना, ड्रॉ करना थोड़ा आसान रहता है, पांच में, सात में, नौ में, तीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यार, जीरो होंगे कि नहीं होंगे, बट द थिंग इज यहाँ पर भी जीरो होंगे। मैंने आपको कहा था आप ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगाइए। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन? ये कहता है कि सर जी अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, एक की हेड से टेल मिल रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो पहला वेक्टर मैं रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं इमेज को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है बेटा, जो रेड वाला है इसको मान लेता हूँ वेक्टर, ठीक है, जो पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स मान लो ये, तो दोनों से मिलकर रिजल्ट कहाँ आएगा? ये वाला। फिर इसका तीसरे के साथ कंबाइन करो, रिजल्ट कहाँ पाएगा? ये वाला। इसको चौथे के साथ कंबाइन करो, रिजल्ट कहाँ आएगा? ये वाला। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर कहाँ है? रिजल्ट कितना? जीरो। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, बराबर 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 इक्वल इक्वल एंगल बन रहे होंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाने वाला है? आप जीरो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आई गेस। स्कूटर गोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। भाई हम जनरली जो मैप पर दिखाते हैं, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर से दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जनरली हम इस दिखाते हैं, मैं तो ऐसी तरह इंडिकेट कर लेता हूँ, पर बाद में कन्फ्यूजन नहीं होता कि हर जगह जिस रूम में बैठे उसमें जाके ईस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ठीक। आप कहेंगे ओके सर, टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट की तरफ टर्न हो जाते हैं इधर की तरफ। पूछ रहा है द स्पीड ऑफ स्कूटर रिमेन्स अनचेंज, पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहे हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज। कुछ बच्चों को लगता है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था बी, बट बेटा नहीं, नहीं बेटा जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। रीजन बीइंग इज, रीजन बीइंग इज बेटा, आपकी जो वेलोसिटी होती है, इट इज मेड अप ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है, और डायरेक्शन बदल चुकी है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इसमें भी वो कई सारे ऑप्शन दे सकता था, ठीक है, 10√2 के जिन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं उनमें भी कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं, आपको डायरेक्शन देखनी भी आनी चाहिए। तो बेटा राइट की तरफ जा रही है, मान लेता हूँ मैं ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स मान लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो 10 इधर की तरफ जा रहा था, इसको इस वाली वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई मान लो, इसको मान लेता हूँ मैं 10 i। एक्स एक्सिस में इधर की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस में मान लेता हूँ मैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा फाइनल वेलोसिटी किधर है सर? नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ y, नीचे की तरफ आपकी -y, मतलब कह सकता हूँ मैं -10 j। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब पूछा हमसे कि चेंज इन वेलोसिटी, अभी ये वेलोसिटी बन चुकी है, अभी ये आपकी स्पीड नहीं है, क्योंकि इनके इनके डायरेक्शन अटैच कर दिया मैंने के साथ, तो दीज आर वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होगी चेंज इन वेलोसिटी। आप कहेंगे सर डेल्टा भी बोल देता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? आप कहेंगे सर 10 j माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 i। गाड़ी का पॉइंट? आप कहेंगे यस सर, गाड़ी का पॉइंट 100। ठीक है बेटा जी,
आप कहेंगे ओके सर जी, अब इसकी डायरेक्शन भी आप अगर देख पा रहे हो तो डायरेक्शन भी आपको विजिबल है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर आपने यहाँ पर अगर आपने इसको एक्स एक्स वाई तो इधर की तरफ आपका आंसर आने वाला है, माइनस का टेन आई, माइनस का टेन जे और टेन आई, दोनों दोनों नेगेटिव, तो इधर की तरफ आपका आंसर आने वाला है। ठीक, और कितनी वैल्यू रहेगी बेटा, इसका मैग्नीट्यूड देख लो, चेंज इन वेलोसिटी कितना, मैग्नीट्यूड कितना इस वेक्टर का। आप कहेंगे सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना आता है, जो आई का कंपोनेंट रहता है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस टेन का स्क्वायर प्लस माइनस टेन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर टेन रूट टू, तो मैग्नीट्यूड आने वाला टेन रूट टू की वैल्यू होती है बेटा 1.414, तो 10 × 1.414 इट विल कम आउट टू बी 14.14। ठीक है, डायरेक्शन आपकी, आपको इस केस में तो आपको ऑप्शन बड़े आसान दिए हैं, वो ऐसा कर सकता था 14.14 ही दे करके आपके ऑप्शन में साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह सारी की सारी डायरेक्शन दे सकता था कुछ भी, तब आपको और थोड़ा केयरफुल इसको देखना था। अभी आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है कि दोनों कंपोनेंट आपके नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या, इधर की तरफ आपकी वेलोसिटी रहेगी, इधर की तरफ कौन सी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपकी वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, बिल्कुल इनके बीच में से रहने वाले, जितना एंगल इसके साथ उतना ही एंगल इसके साथ। तो ये डायरेक्शन कौन सी, जितना रेड बनाया मैंने, आपने कहोगे सर इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको 10√2 या 14.4 के टर्म्स में अलग अलग डायरेक्शन दिखती है तो आप उसको उसी तरह से अप्रोच कर लें। एक और दूसरा तरीका, छोटा सा और मेथड समझ लीजिए, अगर आपको ये समझ में यार दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट टाइप हो जाएगा, ऐसा समझने में दिक्कत है तो आप ऐसा समझ ले बेटा, आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना। फाइनल वेलोसिटी की तरफ किधर है आपकी सर, नीचे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी किधर थी, ईस्ट की तरफ, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए, तो इसका नेगेटिव ले लो, यस सर ये रहा, तो इन ये दोनों वेक्टर आपको ऐड करने हैं, ये आपकी नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इन दोनों से वेक्टर से आंसर कहां आएगा, इधर की तरफ। जैसी अप्रोच आपको कंफर्टेबल हो, जिससे आप जल्दी क्विक सही एक्यूरेट और स्पीड से अप्रोच कर सके, अप्रोच को अपनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा वेक्टर ए दे रखा, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर पूछा आपसे, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर ए का, आप कहेंगे सर आई जे और के जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर कर लो, यहाँ पर आई का क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का क्या -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी बाय द वन ही होता है, k का क्या 1 का स्क्वायर, तो कितना गया √3, मैग्नीट्यूड आ गया √3, तो इस वेक्टर को, वेक्टर a को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि i माइनस j प्लस k को डिवाइड कर दो √3 से, आपका आंसर आ चुका है, यानी डिफॉल्ट डायलेज थी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा टू वेक्टर्स a एंड b आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, दो वेक्टर हैं सेम प्लेन में, एंड द वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, द रिजल्टेंट ऑफ दीस वेक्टर्स मे बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, लाइज बिटवीन a एंड b, लाइज बिटवीन a एंड -b, इन में क्या सही हो रहा है। पहले समझिए क्या सिचुएशन क्या है, दो वेक्टर हैं a के प्लेन में है, तीसरा वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं। ठीक है चिंटा मिंटा, आप कहेंगे यस सर मैं ही हूं आपका प्यारा चिंटा मिंटा, तो इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और इसने कहा है कि एबीसी नॉन जीरो है, ये बात आपको खुद से भी समझ लेनी है, नॉन जीरो क्या मतलब है। इधर देखो ये तीन वेक्टर हैं, देखा तो नहीं आपने कुछ इधर देखो ये तीन वेक्टर हैं, ये तो दो वेक्टर एक प्लेन में, ये लोग किसी भी डायरेक्शन मान सकते हो, ऐसे ऐसे जैसे आपको मन करे, बस प्लेन में होने चाहिए, जैसे आपको मन करे आप वैसे मान सकते हो। ठीक है ओके सर जी, और तीसरा वेक्टर जो है आपका यहाँ, ठीक जैसा आप चाहो, जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन सोच सकते हो आप ऐसे सोच लो, सोचना चाहो तो लो, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, और देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, मैं भी ऐसे मान सकते हो आप कि एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर दिया, जीरो हो गया, और इसका आंसर ये क्या है, ये अभी भी नॉन जीरो वेक्टर है, ए बी सी बताया गया उसको नॉन जीरो, तो अभी भी इसको तो कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे भाई, इन दोनों से मिलकर सपोज करो जीरो हो गई, जिसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम तौर 180 डिग्री पर थे, जीरो हो गए हैं, फिर भी ये वेक्टर कभी भी आपके जीरो नहीं हो पाएंगे, तीनों वेक्टर का सम नेवर एवर भी जीरो। अगर ये वेक्टर ऐसे होते तो इन दोनों से रिजल्ट मिलता इधर की तरफ, यहाँ इधर की तरफ, अगर ये वेक्टर ऐसे होते तो रिजल्ट मिलता इधर
आपका एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट कहां इधर की तरफ मिलता, कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। मैडम पॉइंट का आप कोई भी सिचुएशन सोच लीजिए, ऐसे तीन वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं, ये दे कैन नॉट गिव यू जीरो एट ऑल, नेवर एवर एवर। परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, वैसे हो, कैसे भी सोच लीजिए, क्योंकि तीसरा वेक्टर उस प्लेन में है, ठीक है, तीसरा वेक्टर उस प्लेन में है जिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें दोनों वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब तीसरा जो वेक्टर है ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। और पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि उनमें से कोई, दे ऑल आर नॉन जीरो वेक्टर, ए कॉमा बी कॉमा सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने लिख दिया था, तो इनमें से कोई नॉन जीरो, ये सारे नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर नहीं है, तो आंसर कभी भी जीरो होने वाला नहीं है, तो आंसर विल बी कैन नॉट बी जीरो, मे बी जीरो भी नहीं होगा, जीरो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, तो जीरो नहीं होगा, कैन नॉट बी जीरो, लाइज बिटवीन ए, इससे कोई मतलब नहीं, ए और बी से सी वेक्टर है, इनका कोई लेन देना नहीं है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हमारे फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ वन एंड टू यूनिट्स आर एक्टिंग अलोंग, पहले तो ये बात आपको समझनी है, ये एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, ऐसी लाइन जहां पर एक्स सदा जीरो रहे, इसका क्या मतलब बेटा, हमें क्या बता सर क्या मतलब है, अरे पापियों ध्यान सुनो, यस सर, नहीं इसे सुनाइए, आपने ये पढ़ा था कि नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नाम की चीज होती है, सुना है सर, कैसी बातें करते, इधर एक्स इधर वाई, अगर मैं कहूं ड्रो अ लाइन एक्स इक्वल टू टू, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब एक्स इक्वल टू टू, तो आप कहेंगे सर ऐसी लाइन कोई, इजंट इट, जिस लाइन पर सदा ही एक्स कैसा रहे, टू रहे, ये है एक्स इक्वल टू टू मतलब, इजंट इट, आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर मैं कह दूं एक्स इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है, जहां पर एक्स सदा ही जीरो रहे, वो कौन सी होगी, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है सर वाई एक्सिस, समझ में आई बात, ओ यही गड़बड़ कर रहे थे हम लोग सर, समझे पापियो, आप कहेंगे यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है। और y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, जहां पर y सदा जीरो रहे, मतलब x एक्सिस की बातें कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये y इक्वल टू जीरो मतलब है x एक्सिस की बातें कर रहे हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा बेटा, एफसीस और पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे आप लोग, याद होगा सब चीजें, मैथ्स की चीजें हैं आपको, वो x एक्सिस, y इक्वल टू जीरो का मतलब है x एक्सिस, ठीक है। कह रहा है फोर्स ऑफ वन यूनिट किसके अलोंग, अलोंग y एक्सिस, मतलब अगर मैं ऐसे कुछ इस डायग्राम को बनाऊं और समझूं, समझू सर में समझू, आपका जो फोर्स होगा, यस मास्टर जी, वो वन न्यूटन का किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, इधर इधर वाला वन न्यूटन है, कन्फ्यूजन हो सकता है बेटा आपको, कन्फ्यूजिया जाओगे तो बेटा गड़बड़ कर बैठोगे, नहीं सर कन्फ्यूजियाएंगे नहीं, और दूसरा दूसरा फोर्स किधर है, आप कहेंगे टू यूनिट है अलोंग वाई इक्वल टू जीरो मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ये लो बेटा, ये लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, बस रिजल्टेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसा होगा, आई से सर इसको कंप्लीट कर दीजिए, पैरेललोग्राम बना दीजिए, और ये बन गया सर हमारा आंसर, ये आ गया हमारा रिजल्ट, इसकी इक्वेशन फाइंड करना, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस सर, का है किसका इंटरसेप्ट कितना है, जीरो से पास हो रहा है, तो इंटरसेप्ट तो जीरो है, हमें पता है सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है सर, ऐसा सोच सकते हो, ये हमारा क्या होता है, ये सर स्लोप होता है लाइन का, तो ये वाला स्लोप कितना होगा रे बाबा, ये कितना, वन यूनिट, ये कितना, टू यूनिट, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी, आपने सर जी वन बाई टू, और दूसरा ओरिजिन से पास हो रहा तो स्लोप कितना, आपने सर जीरो, तो वाई विल बाई इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स, बस आंसर आ चुका है, तो इसको आप टू वाई इक्वल टू एक्स यानी टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है बेटा जी, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता